राधे राधे, ये दोनों अपने वाटर टैंक में बास्केट स्टैंड पर सो रहे थे। तो मैंने कुछ देर बाद देखा तो इन दोनों की आंखें खुली थी, पर ये बिल्कुल शांत थे। तो मैंने सोचा कि इन दोनों को थोड़ा बाहर रख दूं, जिससे कि थोड़ा मूवमेंट करने लगे। तो मैंने इन दोनों को उठाकर बाहर रख दिया। मैंने सोचा थोड़ी देर ये चलेंगे, इधर उधर चलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा इन्हें भी, और मुझे भी इन्हें चलता हुआ देखना ना बहुत पसंद है। पर जैसे मैंने इन दोनों को उठाकर बाहर रखा ना, ये तो 5-10 मिनट ऐसे ही बैठे रहे शांति से। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि इनका जो ग्रीन फूड होता है ना, इनके आगे रख देती हूँ, देखती हूँ ये क्या करते हैं। तो देखो देखो क्या कर रहा है हमारा टोटो। जितनी बार मैं इसके आगे इनका फूड लेकर जा रही हूँ ना, ये उसको सूंघ रहा है अच्छे से। और ये देखो इनके अंगड़ाई लेने का स्टाइल, एक पैर निकाल देंगे और एक हाथ निकाल लेंगे, कभी कभी दोनों टांगे रख लेंगे। अब देखो फिर सूंघ रहा है हमारा टोटो। ये ना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खाने को सिर्फ सूंघ सूंघ के ना उसकी खुशबू से ही अपना पेट भर ले रहे हैं। और आपको पता है, अगर रूम में कहीं भी इन्हें अंधेरा नहीं मिलेगा ना, दोनों में से किसी को भी, लेकिन ज़्यादातर हमारा टोटो जो है, अगर उसको अंधेरा नहीं मिलेगा तो डोडो की सैल के अंदर सोचता है कि मैं इसके अंदर अपना फेस कवर करके छुपा। और टोटो के इसी चक्कर में ना कई बार डोडो इसकी ना पिटाई लगा देती है। और मैंने ऐसी वीडियो भी डाल रखी है जिसमें हमारी डोडो इसको इतनी लाते मारती है, लेकिन इसको चैन नहीं आता। देखो फिर सूंघ रहा है। इसको जितनी बार भी इस वीडियो में मैंने फूड दिया है, सिर्फ सूंघ रहा है, बार बार सूंघ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार ही सूंघ के छोड़ दे रहा है, नहीं, जितनी बार आगे रख रहे हो उतनी बार सूंघ रहा है। तो इन दोनों को ज़्यादा परेशान ना करती हूँ, मैंने फिर से इनको उठाकर वाटर टैंक में रख दिया, जाएंगे अपने आप से तैरने लगे। ओहो, अपने आप से ही तैरते हैं हमेशा। फिर मैंने इनको ग्रीन फूड दिया और फिर इन दोनों ने खा लिया।